गुड मॉर्निंग राजस्थान, नमस्कार। मैं हूं राखी सिंघल, स्वागत है आप सभी का ITV भारत राजस्थान में। और मेरे साथ है जयकृति। हम बात करेंगे अब तक की राजस्थान की बड़ी खबरों की, क्या कुछ दिन भर हमारी नजर किन बड़ी खबरों पर रहेगी और अब तक क्या कुछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 12वीं के रिजल्ट की। कल शाम 6:15 बजे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसके बाद देखा जाए तो क्या कुछ रहा है रिजल्ट में जयकृति, क्योंकि कई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत आस थी कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आगे क्योंकि एक 12th एक ऐसी क्लास है कि बच्चे यहाँ से एक पायदान शुरू हो जाता है भविष्य की सीढ़ी कह सकते हैं एक तरीके से 12वीं के रिजल्ट को। और जो रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो कॉमर्स और साइंस का दोनों का ही रिजल्ट सामने है। साइंस में 86.6% यहाँ पर रिजल्ट रहा है, कॉमर्स में 91.93% रहा है। हालांकि पूरे रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो लड़कियों ने यहाँ पर बाजी मारी है, लड़कियां अव्वल रही हैं। और साइंस का जो परिणाम का प्रतिशत है वो थोड़ा कम रहा है, 3% यहाँ पर जो प्रतिशत है वो कम देखा गया है साइंस के रिजल्ट में। और राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने ये रिजल्ट घोषित किया है और जिन बच्चों ने यहाँ पर टॉप किया है उन लोगों को मेडल दिए जाएंगे और जिन्होंने लास्ट ईयर टॉप किया था उन्हें इस साल दीक्षांत समारोह में मेडल दिए जाएंगे। और बिल्कुल, तो आपको बता दें कि रिजल्ट घोषित हो चुका है तो कहीं थोड़ी बहुत बच्चों में मायूसी है जिनको लग रहा था कि वो टॉप करेंगे या बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन उनके किसी कारण की वजह से कम मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं मायूस भी दिखे। आपको बता दें कि दौसा में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, 73% उसके मार्क्स आए जयकृति, लेकिन फिर भी उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है हम अपेक्षा ज्यादा कर देते हैं और उतना नहीं हो पाने से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं होती, अभी जिंदगी इतनी लंबी बहुत है और बड़ी बहुत सारी परीक्षा, बहुत सारे मौके आपको अभी मिलेंगे। अगर इतनी जल्दी आप हताश हो जाएंगे तो फिर मायूस होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जीवन में और भी है, तो इतनी जल्दी मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान दिन ब दिन तपता जा रहा है, लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है पूरी तरीके से। आपको बता दें लू के थपेड़ों से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, वहीं बिजली और पानी, क्योंकि जैसे ही पारा बढ़ता है बिजली और पानी की किल्लत सबसे पहले, लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। एक तरह से जो उनका डेली रूटीन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी आज भी लू के थपेड़ों का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बाड़मेर, जैसलमेर ये मुख्य ऐसे प्रमुख जगह है जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और एक तरीके से देखा जाए तो सड़कें बिल्कुल दोपहर के समय बिल्कुल सुनसान हो जाती है और लोग सिर्फ आसमान की तरफ देखकर यही आस लगाते हैं कि एक बार बारिश हो जाए, भाई मौसम खुशनुमा हो जाए। और शायद हो सकता है कि बारिश, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है दो चार, बिल्कुल, लेकिन 9 दिन तक जो गर्मी है बहुत भारी गर्मी रहने वाली, क्योंकि 9 तपा की शुरुआत आज 2:21 से शुरू हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में, अगर ज्योतिष पर नजर डाले तो रोहिणी नक्षत्र पर में प्रवेश करेगा और जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है जिसे जल तत्व माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि जब तक सूर्य इस रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तब तक चंद्रमा 9 नक्षत्रों का भ्रमण करने पर निकल जाते हैं और उसके चलते जो सूर्य है और पृथ्वी की है जो दूरी है वो काफी पास आ जाती है, बहुत गर्मी यहाँ पर पड़ जाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हारी इन बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे हमारे दर्शक, और कहीं ऐसा ना हो जाए उनको कि भाई गर्मी मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, खुद को महफूज रखिए। और गर्मी आ गई है लेकिन आप इसका ध्यान रखिए और अपने पानी ज्यादा पिए, क्योंकि ये ऐसा समय है जब डिहाइड्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, पानी की कमी शरीर तो लिक्विड चीजें बहुत ज्यादा, लिक्विड पर और पानी पर बिल्कुल ध्यान दें। तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 5,000 की घूस लेने का यहाँ पर मामला सामने आया है। झुंझुनू का ये मामला है जहां पर ACB ने BD के अस्पताल के एक सहायक और एक गार्ड को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल जी हाँ, आपको बता दें कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था लेकिन उसके लिए गार्ड ने और एक नेत्र सहायक था जिसे 5,000 रुपए की घूस मांगी, ACB ने उसको ट्रैप कर लिया। 6,100 रुपए मांगे गए थे लेकिन 5,000 में बात पूरी तरीके से तैयार हो गई। बिल्कुल जयकृति, कितनी बड़ी बात है, विडंबना देखो तुम कि एक सर्टिफिकेट बनवाना, एक साइन चाहिए होते हैं एक डॉक्टर। बिल्कुल, आप मतलब छोटे से काम के लिए भी अगर आप किसी को रिश्वत नहीं दोगे, ब्राइब नहीं दोगे तो वो आगे काम करने का पूछना ही नहीं है। क्योंकि अब ये देखो मेडिकल सर्टिफिकेट कितनी जरूरी चीज हो जाती है, कभी कभी अगर हम अपनी भी, हमें भी बहुत जरूरत पड़ जाती है कभी कभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज रहती है और लोग उसको देना पड़ता है, हम रिश्वत दे रहे पर कैसे भी हमारा काम हो जाए और ऐसे फायदा उठाते हैं ये लोग, कितना गलत। लेकिन ACB जो टीम है उसने गिरफ्तार कर लिया है दोनों लोगों को और इन पर कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, तो अगली खबर जयकृति क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पिटारी में?
अगली खबर यहाँ पर आरएसी के जो 3 जवान हैं और 2 माइनिंग इंस्पेक्टर्स हैं, बजरे के उन्होंने डंपर पकड़े और माफिया को बंधक यहाँ पर बनाया गया है। दरअसल इन लोगों ने हत्या की धमकी दी थी और इनका 5 किलोमीटर पीछा करने के बाद इन्हें छुड़ाया गया। बिल्कुल, तो ये मैं ये कह सकती हूँ कि जो बजरी का अभी तक जो मुद्दा चल रहा था वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं लगाता। बजरी खनन माफिया आपको बता दें कि माफियाओं ने आरएसी के 3 जवान और 2 माइनिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो लोग थे, ये 5 लोग छुड़ाने, ये जो अवैध खनन जो चल रहा था उसके लिए गए थे, लेकिन 5 किलोमीटर तक इनका माफियाओं का पीछा किया, जिसके बाद इन 5 को उन्होंने बंधक बना लिया है। बहरहाल हत्या की धमकी उन्होंने दी है, मतलब ये एक तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पर ग्राफ कहाँ जा रहा है क्राइम का, खुलेआम धड़ल्ले से ओवरलोडेड अपने ट्रक लेकर वो दौड़ाते रहते हैं, लेकिन किसी को इस बात पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है। थाने के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन तब भी इतना आसान हो गया है, मैं तुम्हें मार दूंगा ये कहना इजी है, मतलब सच में हद है ये तो कि इस तरीके से। और बजरी खनन में भी सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बजरी के लिए कोई ऐसा कानून या फिर कोई ऐसी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि लोगों को राहत मिले। और बजरी की वजह से राजस्थान के जो लोग हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार लहसुन का ऑनलाइन बेचा गया है। पहले ही दिन 1350 मेट्रिक टन लहसुन बिका है। जी हाँ, आपको बता दें कि लहसुन के सेंटर की ऑनलाइन बीडिंग एक ही दिन में कर दी गई और 1000 यानी कि 1350 मेट्रिक लहसुन बेचा गया। बिल्कुल जानकारी और क्या कुछ जानकारी। बिल्कुल, अगर आप अगली खबर पर नजर डालें तो वो है निपा चिकित्सा अधिकारियों और सीएमएचओ को यहाँ पर अलर्ट दे दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से केरल में लगातार मौत हो रही है और जो केरल के प्रवासी है उनका लगातार राजस्थान प्रदेश में आना जाना रहता है, इसके चलते चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि अगर थोड़ा सा भी किसी पे संदेह होता है, अगर कोई संदिग्ध लगता है तो तुरंत उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए जाए। बिल्कुल, तो ये निपाह संक्रमण की बात चल रही है। आपको बता दें कि एक वायरस जो भारत में दस्तक दे चुका है और अब तक केरल में 12 लोगों की मौत इस संक्रमण की वजह से हो चुकी है। वहां के जो लोग हैं केरल के हाई अलर्ट पर है पूरी तरीके से, दिल्ली हो या राजस्थान हो सब पर अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये पूरे निर्देश दिए गए हैं कि केरल से जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, क्योंकि रिसर्च इस पर चल रही है। अभी तक आपको बता दें ये एक तरीके से जानलेवा बीमारी है, इसके लिए कोई भी दवा इलाज नहीं है। टीके पर जरूर यहाँ पर टीका इसके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं बना है, वो उस पर काम चल रहा है, टीका उसके लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल वैक्सीन हो जाएगी। तो आपको स्वाइन फ्लू, इबोला और इस तरीके की खतरनाक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, इनसे बच के रहें। आप खुद ही इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। आप सिर्फ अपना ध्यान रखें, जुकाम खांसी इसके लक्षण होते हैं और बुखार, बहुत तेज बुखार आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संक्रमण रोग है, यानी कि रोग है, तो आप जब किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ये जरूर फैलता है। और खजूर का जो पेड़ होता है, जो खजूर की खेती करते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये रोग पाया गया। चमगादड़, कोशिश कीजिए कि खजूर ना खाए, चमगादड़ जो फ्रूट बैट होता है उससे, बिल्कुल खजूर का जो पेड़ होता है उस पर चमगादड़ बैठती है, उसके बाद ये बीमारी वहीं से पनपती है, तो बिल्कुल आप इसके लिए अलर्ट रहे। कोशिश कीजिए कोई गिरा हुआ फल ना खाए या फिर थोड़े समय के लिए कोई फल ना खाए, क्योंकि इस समय पर जो ये वायरस है वो बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है। बिल्कुल, तो सरकार इसके लिए लगातार वैक्सीन बनाई रही है, कुछ दिनों में वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप खुद की सुरक्षा करें। बहरहाल राजस्थान, गुड मॉर्निंग राजस्थान में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए।